नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चरण पे। मेरे न्यू स्टूडेंट है और मेरे कैप्टन कीर्ति सिंह। तो कैसे लग रहा है सर? फिर आज बढ़िया लग रहा है सर। और कौन सा दिन है आज ड्राइविंग? आज मेरा पांचवा दिन है। पांचवा दिन ड्राइविंग का। तो आज मैं सर को पांचवे दिन में सिखाने वाला हूँ कि मतलब कंजेस्टेड एरिया होता है वहाँ कैसे गाड़ी चलानी चाहिए, मोड़ों पर कैसे चलानी चाहिए, कहीं अगर अंडरपास आए या चौराहा आए तो वहाँ पर क्या इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो सर को मैं आज बताऊँगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो सर, जैसे कि हम ऐसे एरिया में चल रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो एरिया है इस तरीके का एरिया, देखियो ये जो है ना, इधर हमने फर्स्ट सेकेंड गियर में ही चलना है हमने, ठीक है? क्योंकि यहाँ से लेफ्ट या राइट से कोई भी निकल के आ सकता है, तो यहाँ हम स्पीड ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। दोनों तरफ देखते हो और हॉर्न भी दिया करो। अब जैसे ये अंडरपास आ गया, अंडरपास क्योंकि देखो ये गाड़ी आई हमें दिखाई नहीं दे रहा है और हम यहाँ स्पीड को कम करेंगे और ज़्यादा, तो फर्स्ट में, हाँ फर्स्ट गियर करो। देखो गियरों में आप ताकत लगा रहे हो चेंज करते समय, ब्रेक के ऊपर पैर रखो। जब भी ब्रेक के ऊपर पैर आएगा तो क्लच के ऊपर भी पैर आएगा, क्योंकि अगर हमें रोकनी पड़ गई तो हम आराम से रोक सकते हैं क्लच ब्रेक से। क्लच ब्रेक में पैर इसलिए ताकि ये ब्लाइंड मोड वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा था ना, तो अगर कोई आए तो हम उसको कंट्रोल कर सकें कि अचानक में कोई आ गया। क्योंकि अगर एक्सीलेटर में आपका पैर होगा, आप घबराओगे तो एक्सीलेटर ही दबेगा, ठीक है? और हॉर्न दो, कोई आ सकता है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आप हल्की हल्की रेस दोगे क्योंकि यहाँ पर चढ़ाई आ रही है। देखो ध्यान देना, बहुत से लोग बहुत गलती कर देते हैं, क्यों पहला गियर डाला होता है स्पीड ज्यादा दे देते हैं। अभी यहाँ चढ़ाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्यादा नॉर्मल होते नहीं है, ठीक है? 10 से ऊपर नहीं देनी स्पीड, मतलब पहले गियर की स्पीड आपकी 10 तक है, तो आप इतना दबाओ कि 10 से ऊपर सुई नहीं जाए। कई लोगों को मैं देखता हूँ यहाँ पर चलाते हैं, वो बिल्कुल पहले गियर में खींचते हुए जाते हैं एकदम, फिर उससे ये देखो जैसे ये खींचता हुआ गया। अब इसमें क्या होगा ना, इसने तो गाड़ी चलो ठीक है हमसे पहले निकाल ली, लेकिन गाड़ी को भी तो नुकसान हुआ है, तो वो भी तो देखना है ना साथ साथ। ड्राइविंग के साथ साथ गाड़ी की भी तो लाइफ बनानी है आपने। इससे नुकसान क्या होता है, आप अगर गियर आपका छोटा और स्पीड आप बढ़ा दो तो क्या होगा ना, एक तो सबसे पहले आपका तेल ज्यादा खाएगी गाड़ी, दूसरा आपकी जो है ना ये गाड़ी की मेंटेनेंस में दिक्कत आती है, इससे सर्विस बहुत जल्दी आएगी। गाड़ी गर्म होगी, गर्म होने से क्या होगा, इंजन ऑयल जो है वो जलेगा, फिर आपकी बार बार सर्विस आएगी, तो बार बार सर्विस आने से यानी कि इंजन की लाइफ कम होना, ठीक? तो आप ये ध्यान देना, गियर लीवर पे आप ताकत लगा रहे हो, ताकत नहीं लगानी है, पूरा क्लच दबाओ और आराम से गियर चेंज करो। आपको गियर सब पता है कि कौन से गियर कहाँ पर है, ठीक? तो उसका आराम से इस्तेमाल करो। चलिए अब हम ऐसी सड़कों पे तीसरा गियर ले सकते हैं, क्योंकि ना यहाँ लेफ्ट से कोई आएगा ना राइट से कोई आएगा, तो हम थर्ड गियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। थोड़ा गियरों में चेंज करते समय ना ढीले हाथ करो, आपको ताकत, जैसे मैंने आपको सिखाया भी था, आपकी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी है कि हमें अच्छा करना है, ठीक है? कोशिश पूरी करेंगे सर। क्या मतलब जब सीखने आएंगे, आए हैं तो उसको भी गलतियों को सुधारेंगे। जी जी। तो सर चौराहे पे आराम से फर्स्ट गियर करो यहाँ पर, क्योंकि खूब सारे यहाँ पर इसलिए ब्रेकर दिए गए हैं ताकि हम स्पीड अपनी कम करें, क्योंकि इस चौराहे पे एक्सीडेंट भी हुआ है एक बार, ठीक है? सही बात है। तो इसलिए चौराहे पर हमें खासकर लेफ्ट राइट आगे पीछे दाएं बाएं ये ध्यान देना है, क्योंकि देखो आपको ये ब्रेकर दिखाता हूँ मैं, ये खूब सारे ये जो हमें ब्रेकर बने हुए ना ये वाले, देखो ये इसलिए बने हैं ताकि हम अपनी स्पीड स्लो करें, ठीक है? क्योंकि चौराहों पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, तो इसलिए आप जितने भी चौराहे आएंगे तो आपने फर्स्ट गियर करना और आराम से चलना है, ठीक? इधर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्लच दबाया, टुक 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 चल रहा था। क्लच सर, क्लच, हाँ। गियर लीवर बहुत ताकत लगा रहे हो आप, ताकत मत लगाओ, ठीक है? ताकत का कोई काम नहीं है, ढीले हाथ से आराम से चेंज करो। यहाँ से सर हमने राइट जाना है, तो राइट इंडिकेटर दो, दो इंडिकेटर राइट, मोड़ो, देखो मिरर में कोई आ तो नहीं रहा, और सामने को हॉर्न दो, सामने कोई अगर आ रहा होगा तो उसके लिए क्लच छोड़ो, आपने क्लच दबा रखा है बस। इस जगह आपका क्या ना, यहाँ टेढ़े मेढ़े बाट मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, और आपने धीरे धीरे ही चलना है, क्योंकि जितने ज़्यादा बैंड आएंगे आपको बहुत आराम से सावधानी पूर्वक चलना होगा,
तो यहाँ आपकी गियरों की स्पीड रहेगी, आपकी फर्स्ट और सेकंड गियर रहेगा, और क्लोज रास्ते हैं, ठीक है, और स्पीड लिमिट सेकंड गियर की 20 तक है जो मैंने आपको बताई है। हॉर्न देना बहुत जरूरी है, हॉर्न बहुत कम बजाते हो आप, क्यों? तो बताइए सर कैसा लग रहा है फिर आपको? अच्छा लग रहा है सड़क, कंजेस्टेड एरिया में है और बढ़िया लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये छोटी छोटी गलियों में गाड़ी नहीं चलाई थी, चलाई क्या मतलब देखा थे कैसे चलाते हैं और चलाने का मौका मिला। चलो बढ़िया फिर तो। अब यहाँ से आपके एक के बाद एक टर्न आते जाएंगे, तो टर्नों पे ध्यान देना, जितने भी बैंड आएंगे आपका पैर क्लच ब्रेक के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे ये बैंड आ गया, इसमें इंडिकेटर नहीं दोगे, ठीक है, खाली क्लच और ब्रेक के ऊपर पैर रखो और आराम से मोड़ो। जब तक गाड़ी स्टीयरिंग सीधा ना हो तब तक आपका एक्सीलेटर में पैर नहीं जाएगा, ठीक है। जब गाड़ी सीधी हो गई फिर अब देखो सामने से बाइक भी आ रही है, बाएं चलना आपने, ठीक। अब जैसे फिर ये बैंड आ गया, फिर आपका पैर कहाँ आएगा? ब्रेक पे, क्योंकि इतनी रेस तो गाड़ी में है कि गाड़ी खुद चलती रहेगी, है नहीं? अब सीधा हो गया, अब पहले स्टीयरिंग भी सीधा करना बहुत ज़रूरी है, अब आप एक्सीलेटर में पैर रख सकते हो जिससे कि कोई समस्या नहीं होगी। ये डे के हिसाब से, अब देखो अभी तक तो मैं आपको सीधा सीधा चलवा रहा था वहाँ पर, अब चार दिन तो आपको हो ही गए थे, अब मैंने कहा टेढ़ा मेढ़ बाट, ये सही है सर, ऐसे क्लोज रास्ते हो गए, टेढ़े मेढ़े रास्ते में चलाने से तो थोड़ा और नॉलेज बढ़ता है, काफी नॉलेज बढ़ता है। अब यहाँ से फिर हमने लेफ्ट मोड़ना, देखो ब्रेक पे पैर रखना, गुड। अब सामने से गाड़ी आ गई, हाँ देखो वहां पर स्पेस है, पासिंग लाइट दो सर उसको, वो वहीं दबा लेंगे, चलो जगह है वहां पर ना, तो वहीं दबा लेंगे, हाँ हाँ आप ही निकालोगे। बस इस तरीके से, अगर गाड़ी पहले ही आ जाती ना तो हमारे पास पीछे जगह थी तो हम वहीं रोकते, लेकिन हमें गाड़ी दिखाई नहीं थी क्योंकि बैंड है यहाँ पर ये जैसे ना, तो फिर आगे बीच में वो जगह थी तो, और वो भैया टैक्सी वाले भैया ने बहुत अच्छा करा, मिला कि जब आप मोड़ आ रहे हैं तो मेरा पैर जो है एक्सीलेटर में रहता था, तो मेरे को अभी एक चीज मिल सिग्नल मिली कि जो है क्लच से पैर हटाना है, क्लच से नहीं एक्सीलेटर से, एक्सीलेटर से। उसमें थोड़ा जजमेंट भी आ रहा है कि गाड़ी कौन सी तरफ जा रही है, कितनी स्पीड में है, अगर ज्यादा स्पीड में तो गाड़ी कटेगी नहीं, कटेगी नहीं फिर गाड़ी। अब मेन क्या ना, ब्रेक में पैर रखने से यही तो फायदा है, गाड़ी अगर कहीं कहीं दाएं बाएं जाएगी तो आप ब्रेक दबा दोगे, बस ये कर लोगे, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो सर की ड्राइविंग, कमेंट में जरूर बताना, अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नई से नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।